आजमगढ़ के थाना महाराजगंज की पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में अवैध असलाह और असलाह बनाने के उपकरण के साथ चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आज दिनांक 31 जनवरी 2024 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता मैं हमराह द्वारा सहदेवगंज तिराहे पर मौजूद थे कि इतने में स्वाट टीम के उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला मैं हमराह मिले, जो अपराध और अपराधियों के संबंध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि कुछ लोग ग्राम इब्राहिमपुर में घाघरा नदी की अर्ध निर्मित पुलिया के नीचे अवैध असलाह बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। अगर जल्दी किया जाए तो ये पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर थाना क्षेत्र में भ्रमणशील द्वितीय मोबाइल के उप निरीक्षक शैलेश यादव मैं हमराह को बुलाया गया और प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज और स्वाट टीम के साथ मुखबिर के बताए गए स्थान अर्ध निर्मित पुलिया से असलाहा बना रहे 7-8 व्यक्तियों को देखा गया। अर्ध निर्मित पुलिया के मध्य में मौजूद दो आदमी लोहा भट्टी गर्म कर रहे थे तथा दो व्यक्ति रेती से पाइप हाथ में लेकर रेत रहे थे। एक व्यक्ति हाथ में तमंचा लेकर तीन व्यक्तियों को दिखाकर सौदेबाजी कर रहा था। मौके से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा अन्य व्यक्ति देवारा और गन्ना तथा झुरमुट का फायदा उठाकर भागने लगे, जिसमें से दो व्यक्तियों को उप निरीक्षक शैलेश यादव ने हमराहियों के साथ कुछ दूरी पर जाकर पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक शेष चार व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा निवासी त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा निवासी मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय उदयराज यादव निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज और संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम निवासी देवारा हरकपुरा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से अवैध असलाह कारतूस के साथ असलाह बनाने की सामग्री उपकरण, जिसमें 9 देशी निर्मित तमंचा 315 बोर, 2 अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर, असलाह बनाने के उपकरण विभिन्न साइज की 6 रेती, 3 लोहे की सुंभी, 3 लोहे की पाइप, 20 लोहे की कील, 2 लोहे की छेनी, 7 लोहे की स्प्रिंग, 2 लोहे की सड़सी, 1 लोहे का पिलास, लोहे की चादर के टुकड़े, 6 लोहे की फरमा, 1 लोहे का तार और भट्टी बरामद की गई। उपरोक्त अभियुक्तों को समय सुबह 5:10 पर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 36/24 धारा 3/5 12/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय कर दिया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जो व्यक्ति भागे हैं वो व्यक्ति असलाह खरीदने और बेचने का काम करते थे। जो मेरे और मेरे साथ पकड़े गए संजय उर्फ रविंद्र यादव निवासी कुड़ही थाना महाराजगंज के माध्यम से असलाह सप्लाई करते हैं। तैयार किए हुए असलहे जो यहाँ पड़े हैं उन्हीं को देना था, तब तक आप लोग आ गए। इससे पहले भी उनको हम लोग काफी असलहे बनवा कर दे चुके हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना महाराजगंज, उप निरीक्षक शैलेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल देवेंद्र गिरी, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र यादव, हेड कांस्टेबल श्री नारायण यादव, कांस्टेबल संतोष सिंह राजपूत, कांस्टेबल शनि कुमार वर्मा, महिला कांस्टेबल पूजा गुप्ता थाना महाराजगंज, उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्य आरक्षी विनोद सरोज, मुख्य आरक्षी सत्येंद्र यादव, मुख्य आरक्षी अवधेश यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार स्वाट टीम के साथ कांस्टेबल संजय सिंह सर्विलांस सेल आजमगढ़ शामिल रहे। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। थाना महाराजगंज में ग्राम इब्राहिमपुर पड़ता है, उसके घाघरा नदी के किनारे एक असला की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, तो इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। वह इनसे 9 बने हुए तमंचे व 6 अध निर्मित तमंचे इन लोगों से बरामद हुए हैं। ये 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी करी गई, ये बृजराज विश्वकर्मा, मोती विश्वकर्मा, संजय कुमार व संजय उर्फ रविंद्र यादव हैं, जिसमें से मोती विश्वकर्मा के 8 मुकदमे पहले से हैं व संजय उर्फ रविंद्र यादव के 4 मुकदमे हैं। इनकी गिरफ्तारी करी गई और ये भारी मात्रा में ये असला इनसे बरामद किए गए। इनके अन्य साथियों की भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये कैसे बनाते थे, कैसे सेल करते थे, कैसे नेटवर्क को अपने बनाया हुआ? ये पुलिस इसके बारे में अन्य विवेचना कर रही है। जहां जहां भी इन्होंने तमंचे सेल किए हैं और जहां इन्होंने सप्लाई किए हैं उनकी भी जांच की जा रही है और उन सभी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।